कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भारत यादव का चुनाव प्रचार करने के लिए इस बार महिला समर्थक भी गांव में मतदाताओं से घर घर जाकर मुलाकात कर रही हैं। भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे को ग्रामीण मतदाता नकार रहे हैं। ऐसी सूरत में भाजपा प्रत्याशी को मुंडावर क्षेत्र में उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर मिल रही है। ग्रामीण किसानों के अनुसार भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार के दौर में उन्हें पर्याप्त बिजली पानी नहीं मिला। सरकार की कारगुजारी से किसान संतुष्ट नहीं है। भाजपा के पूर्व विधायक की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्र के विकास कार्यों में राजनीतिक दखल की वजह से और पंचायतें और पंचायत प्रतिनिधि भी सरकार और भाजपा के प्रतिनिधियों की कारगुजारी से नाराज नजर आते हैं। ऐसे तथ्य हैं जो भाजपा को सियासी तौर पर काफी नुकसान पहुंचाएंगे। उधर भारत यादव के समर्थन में उतरी महिला प्रचारकों का कहना है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वे गांव में महिलाओं को जाकर भाजपा की नीतियों से लोगों को पहुंचे नुकसान की जानकारी दे रही हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भारत यादव को अच्छा समर्थन मिलने की बात कही। तो आपको भी लग रहा होगा माहौल देख के बिल्कुल चेंज है, इस बार कांग्रेस ही आई है। जो गठबंधन आपको लगा है किससे क्या कितना प्रभावित कर रही है और किस तीन युद्धों के आप लोग जिसे आप लोग घूम रहे हैं डोर टू डोर जा रहे हैं तो लगता है कैसा आप लोगों में रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? काफ़ी अच्छा आ रहा है और गठबंधन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको समझ आता है, आजकल सब वोटर पढ़े लिखे हैं तो सब समझ रहे हैं गठबंधन का मतलब क्या होता है और बाकी हम सबको समझा भी रहे हैं और इसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। नया तो यही है कि जैसे डोर टू डोर आज तक अभी यहाँ थोड़ा कम होता है, इस बार हम लोग जा रहे हैं सबसे मिल रहे हैं। थोड़े शुरू में ये भी था कि नए हैं लेकिन जब सबसे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और लोग जुड़ रहे हैं साथ। और पहले दिन लगता था कि बाहर के हमें जानते नहीं भारत यादव को, लेकिन आज बच्चा बच्चा जानता है कि भारत यादव सब जानते हैं। तो इस बार अच्छा रहेगा, अच्छा रिस्पॉन्स बढ़िया मिला। लेडीज़ भी कि हमारे पहले यहाँ कोई नहीं आता, लेडीज़ से हम लोग कि तुम आए हो तो हम तुम्हारे लिए हमारी यहाँ तीन तीन हाथियाँ लग रही है तो उनसे कोई जा रहा है अच्छा। पहले से ही कह देते कि चेंज चाहते हैं और चाहते हैं कि वो विकास नहीं करवाते थे, वो जातिवाद पे ज़्यादा ध्यान देते थे। हम तो जातिवाद पर पक्षपात हुआ है कि जाति सब जहाँ पे पक्षपात करते जा रहे हैं, सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। ऐसे कोई जातिवाद नहीं, हम सारे लोगों को साथ लेके चलते हैं, सारी जातियाँ एक साथ हैं, सारे सारे मिलके एक साथ कार्य कर रहे हैं। किसान वर्ग मर रहे हैं कि सरकार बीजेपी सरकार हर वर्ग से डीजल से गैस से खेती से भाव कुछ सब क्या मर रहे हैं और आने वाली सरकार कांग्रेस सरकार कुछ नहीं पानी नहीं बिजली कुछ नहीं कुछ भी नहीं है। जहाँ जो कई जगह भाजपा की सरकार वहाँ किसानों को कर्ज माफ कर दिया, राजस्थान भाजपा की सरकार कोई कर्ज माफ नहीं किया। सहकारिता विभाग जिसे आम आदमी के लिए थोड़ी है, ये तो गिने बच्चों का है, आम आदमी तो केसी जी का हर आदमी का है, केसी जी माफ नहीं कुछ सब भाजपा सरकार कुछ नहीं कोई नहीं। हमारे यहाँ का मंत्री था, श्रम मंत्री था, दो साल तक एक भी बच्चा नहीं लगवाया, एक बच्चा नहीं। ट्रेंड तो पूरी तरह चेंज हो गया है, पिछली बार तो मोदी जी की हवा थी इसलिए यहाँ बीजेपी कैंडिडेट को निकाल दिया, बाकी इस पाँच साल के दौरान हमारे मुंडावर की तो आम जनता इतनी बुरी तरह त्रस्त है, जातिवाद का इतना तगड़ा जहर यहाँ घुला हुआ है। पूरे राजस्थान में पाकिस्तान पे बॉर्डर पे बैठा हुआ आदमी जिक्र करता है कि जातिवाद का है तो मुंडावर का नाम सबसे ऊपर है, तो मुंडावर में इतना जहर घुला है कि आपस में जिनका हमारा आना जाना होता था, शादी ब्याह में आते थे, अच्छे रिश्ते थे, उनके बीच में ऐसी खाई कर दी इनने बीजेपी वालों ने, खासतौर से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे इनने, कि आज इतना बुरा सौहार्द हो रहा है मुंडावर का कि आपस में एक दूसरे को देख और चार चुनाव तक तो ऐसा नहीं था। हमारे पूर्व विधायक थे मंत्री जी घासीराम जी, उनके तो जो नौरतन होते थे उनमें तो जाट ज़्यादा थे, वो जाटों को अन्य जातियों को पहले लेकर चलते थे, लेकिन जब से घासीराम जी गए यहाँ से उनका निधन हुआ उसके बाद में इन लोगों ने इतनी बुरी हालत कर दी कि पार्टी के लोग भी सोचने लग गए कि विशेष जाति के उम्मीदवार को टिकट देंगे तो ही वो अपनी जाति की वोट ले सकता है और यही कारण है आज जातिवाद यहाँ बढ़ा है। तो नहीं, इस बार तो देखो जातिवाद को लोगों के दिमाग में ख़त्म करने की बात आ रही है और जो प्रत्याशी है भारत यादव ये भी जगह जगह यही कह रहे हैं कि मैं जातिवाद से दूर हूँ और इस जनता को जो पुराना सौहार्द था आपस में बैठने का जाटों में या अन्य जातियों में या हीरों में वही पुराना मैं यहाँ कायम कर दूँगा और विकास के नाम पर
वोट दीजिए आप। और जनता भी ये सोच रही है इस बार तो कि इस भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे 5 साल पहले, एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि बेरोजगार की ले लो, युवाओं की ले लो, व्यापारियों की ले लो, सब ने इतनी भारी तरह से परेशान है यहाँ कि आप सब लोग जाति से ऊपर उठ करके ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो यहाँ मुंडार के लोगों को साथ लेकर के उनकी समस्याओं के लिए लड़ सके और उनके काम कर सके। हाँ, जनता पूरी तरह से उम्मीद में है क्योंकि पुराना इतिहास उठा कर देखते हैं कि भारत यादव जी के जो पिता थे जगमाल सिंह जी, जगत दायमा जी, उनसे ये राजनीति और संघर्ष इनको विरासत में मिला है। और लोगों के मन में जब उनके विचार सुनते हैं सबके जेहन में ये बैठती है कि वास्तव में तुम्हारे हक के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए जो अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है मात्र एक भारत यादव ऐसा कैंडिडेट है जो हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रह सकता है और हमारी समस्याओं को समाधान कर सकता है। हाँ, देखो इस बार लोगों में उत्साह है, शायद छोड़ पाएंगे, लेकिन यादव समाज के जो दो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें वोट बढ़े। हाँ, तो शायद हो सकता है कि ना कामयाबी भी मिले, लेकिन मतलब ये है कि कामयाबी मिलेगी।